I got time, it's clear to see. मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं आज क्लास, और आज क्लास में अध्याय 5 पर विविध प्रश्नावली के आगे के प्रश्न हल करवाएंगे। अध्याय 5 पर विविध प्रश्नावली के प्रश्न 1 से लेकर 11 तक कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किए हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। अध्याय 5 पर विविध प्रश्नावली के आगे के प्रश्न हल करने से पहले अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर नए स्टूडेंट हो, चैनल से जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है। जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो YouTube द्वारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। अगर पुराने स्टूडेंट हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में। तो स्टार्ट कर देते हैं आज क्लास। आपको दिख रहा होगा प्रश्न 12, यहाँ पर बताया गया है यदि y बराबर 12 इंटू 1 माइनस कॉस टी, फिर आगे लिखा है कमा x इक्वल 10 इंटू टी माइनस साइन टी, तो dy अपॉन dx ज्ञात कीजिए। ये आपको शर्त दिख रही है, इसका मतलब ये है कि x और y का मान परिभाषित है। कब परिभाषित है? जब t का मान माइनस पाई बाई 2 से ग्रेटर और प्लस पाई बाई 2 से लेस अगर लेंगे तो x और y का मान क्या है? परिभाषित है। हमने बताया था प्रश्न में जब शर्त दी जाए, शर्त का आकलन नहीं होता है। आपको जो x और y यहां पर दिए गए हैं मान, अब आपको यहां पर देख लेना है कि किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे। आपको हम पढ़ा चुके हैं इस प्रकार का प्रश्न, प्रश्नावली 5.6 की बात करें तो प्राचलिक फलनों का अवकलन आपको सिखाया था। यहां पर प्रश्नावली 5.6 की बात कर रहे हैं, यहां पर क्या होता था, दो समीकरण दिए जाते थे तो हम पहचान लेते थे उसमें प्राचल कौन है। तो सबसे पहले आपको यही लिख लेना है x और y के मान, फिर उसके बाद में आपको ये देख लेना है कि इसमें थीटा प्राचल है कि t प्राचल है, क्योंकि उसी के सापेक्ष अवकलन करना है। और dy / dx का एक फार्मूला यहाँ पर याद रखना, बराबर होता है dy / dt into dt / dx, वही फार्मूला हम यूज करेंगे dy / dx के इक्वल, और आंसर शीट निकाल देंगे। इसका हल आप लोग देखो, इसको हम रफ कर देते हैं। आपको लिखना है प्रश्न 12 का हल, तो यहाँ पर आप लोग देखो सबसे पहले क्या लिखना है, दिए गए समीकरण, y बराबर 12 इंटू 1 माइनस का कॉस टी कमा x इक्वल 10 इंटू टी माइनस साइन टी। अब x की जो आंसर शीट है और y की जो आंसर शीट है आपको देखना है किसके पदों में, जैसे x की जो आंसर शीट है t के पदों में और y की जो आंसर शीट है वो भी t के पदों में, तो आपको पता है यहाँ पर t क्या है, प्राचल है, तो लिख देना है यहाँ पे t प्राचल है। अब आपको ये पता चल गया यहाँ पर t प्राचल है कि थीटा प्राचल है, तो t प्राचल है तो t के सापेक्ष अवकलन कर देना है। y के बराबर जो भी आंसर शीट दी गई है और x के बराबर जो भी दी गई है, सबसे पहले आपको लिख लेना है y बराबर 12 इंटू 1 माइनस कॉस टी, किसके सापेक्ष अवकलन करना है, टी के सापेक्ष अवकलन करना है, क्योंकि टी क्या है, प्राचल है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको टी के सापेक्ष अवकलन करने पर। इस हिंदी का मतलब आपको पता है, क्योंकि प्रश्नावली 5.2 से हमने आपको प्रश्नावली 5.7 तक अवकलन पढ़ाया है, तो आपका अवकलन मजबूत हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको सीख लेना है ये विविध प्रश्नावली के प्रश्न, दोनों पक्षों में क्या रखना है, d / dt रखना है, इस हिंदी का यही मतलब होता है, तो लिखना पड़ेगा। अब आपको प्रत्येक पद का अवकलन करना है, जैसे बाई आपको दिख रहा है तो बाई तो यहाँ पे परतंत्र है, तो परतंत्र का अवकलन क्या होता है, dy / dt। कहने का मेरा ये मतलब है कि बाई जो है d / dt के साथ रहती है, d / dt छोड़ के नहीं जाएगा, तो इसीलिए बोलते हैं बाई परतंत्र। और इस तरफ जो आपको दिख रहा है टी में आंसर शीट दिख रही है, तो टी क्या है, स्वतंत्र है। इसका मतलब क्या है कि अवकलन होने के बाद डी / dt चला जाएगा, तो देखो यहाँ पर 12 आगे आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है चर और अचर का अगर इनटू है तो अचर आगे भाग जाता है, तो कितने पद आपको दिख रहे हैं, दो दिख रहे हैं, तो डी / dt पहले 1 को देंगे, फिर डी / dt cos t को देंगे, ठीक है। अब आगे देखो, 1 का 0 होगा और cos t का अवकलन पता है आपको, जो co से स्टार्ट होता है माइनस छोड़ता है, तो co है ना, ट्रिक आपको बताई थी, cos और cosec और cot, जब भी आप फार्मूले याद करो तो ये तीन जो है माइनस छोड़ते हैं, अवकलन की बात कर रहे हैं, तो cos का क्या होता है, माइनस साइन, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, कितना आया है 12 sin t, ठीक है।
अब आपको क्या करना है, इसके बाद x के बराबर लिखना है, x इक्वल टेन इंटू टी माइनस साइन टी। इतना आप लोग नोट करो, इसको हम रफ कर देते हैं। इसके आगे देखिए, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, अब आपको इसके आगे लिखना है, और x इक्वल टेन टी माइनस का साइन टी। अवकलन करना है t के सापेक्ष, क्योंकि y की जो आंसर शीट दी गई थी t के पदों में दी गई थी, तो हमने t के सापेक्ष अवकलन किया, और x की जो आंसर शीट दी गई ये भी t के पदों में, और पता है आपको t क्या है, प्राचल है, तो आपको t के सापेक्ष ही अवकलन करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा t के सापेक्ष अवकलन करने पर। इस हिंदी का मतलब आपको पता है, दोनों तरफ d अपॉन dt रखेंगे, टेन इंटू टी माइनस का साइन टी, ठीक है। इसके आगे देखो आप लोग, वीडियो को पूरा देखना, मज़ा आएगा। तो जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। कमेंट में लिख दिया करो, और गुरुजी को अगर लाइक करते हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करो। सभी स्टूडेंट क्या करो, हमें ऐसा लगता है सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, देख लेते हैं लाइक नहीं करते हैं। लाइक करने में कोई पैसा नहीं पड़ता है, तो लाइक कर दिया करो, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया करो। इसमें क्या आपका जाता है, कुछ नहीं, फ्री में ये सब कुछ होता है। हम आपके लिए कितना कर रहे हैं, आपका फ़र्ज है ये कि लाइक और शेयर वीडियो को, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो अगर किया नहीं है। अब आगे देखो आप लोग, जहाँ पे थे वहीं पे आ गए, एक्स का आपकलन क्या होगा, डी एक्स अपॉन डी टी, क्योंकि यहाँ पर एक्स क्या है, परतंत्र है। अब यहाँ पे देखो टी आगे भाग आएगा, क्यों, क्योंकि आपको पता है चर और अचर का इंटू होता है, तो अचर आगे भाग जाता है। तो यहाँ पे कितने पद दिख रहे हैं आपको, दो पद दिख रहे हैं, दोनों का आपको अवकलन करना है, क्योंकि हर एक पद का अवकलन होता है, ठीक है। तो d अपॉन डी टी पहले हम इसको देंगे, फिर दूसरे वाले पद को देंगे। अब इसके बाद आपको अवकलन करना है, t का अवकलन जानते हो आप लोग, वन होता है, और साइन का क्या होता है, कॉस t होता है। इसकी भी आंसर शीट आ गई। अब एक फार्मूला लगाना है आपको, क्योंकि dy वाई अपॉन डी एक्स का मान ज्ञात करना है, और प्राचलिक फलनों का अवकलन किस प्रकार होता है ये बात आपको पता है, प्रश्नावली 5.6 में हम पढ़ा चुके हैं। तो डी टी का पहले भाग लगाना है, डी टी का बाद में गुणा करना है। अब आपको आंसर शीटें रखना है, डी वाई अपॉन डी टी की आंसर शीट क्या थी, 12 इंटू साइन टी, ठीक है। और इसकी आंसर शीट क्या करेंगे, व्युत्क्रम करेंगे, जैसे ये आंसर शीट किसके बराबर आई है, डी एक्स अपॉन डी टी के आई है, ठीक है। और यहाँ पर मान किसका रखना है, डी टी अपॉन डी एक्स का, तो आपको दिख रहा है यहाँ पर डी टी ऊपर है, डी टी यहाँ पर नीचे, तो इस आंसर शीट का व्युत्क्रम करके आपको रखना है, तो इसका मान निकल आएगा। तो वन अपॉन टेन वन माइनस का कॉस टी, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, अब आगे देखिए, इसको हम रफ कर देते हैं। थोड़ा सा हल करना है, ऊपर का ऊपर लिखेंगे, नीचे का नीचे लिखेंगे, और ये डी वाई अपॉन डी एक्स के इक्वल आंसर शीट आएगी। ये काट लो, दो चंग 12 दो पंचे 10, ठीक है, तो 6 ऊपर आएगा और साइन टी भी रहेगा, अपॉन कितना है, 5 इंटू वन माइनस का कॉस टी। अभी थोड़ा और हल होगा, हमने आपको बताया था कि कॉस के पास अगर वन है, ठीक है, तो बीच में अगर माइनस है तो साइन में फार्मूला लगता है, जब भी आपको दिख जाए। तो हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, चाहे वन प्लस दिख जाए चाहे वन माइनस, हम आपको फिर रिपीट करके बता देते हैं ट्रिक। कहीं पर अगर ये ट्रिक यूज हो रही है तो हम यूज करेंगे, कौन सी ट्रिक है, वन प्लस का कॉस टू थीटा और वन माइनस का कॉस टू थीटा। अगर आपको प्लस दिख जाए तो कॉस टू थीटा का फार्मूला कॉस में लगाते हैं, क्योंकि वन से वन कैंसिल करना पड़ता है, ये ट्रिक है। अगर बीच में माइनस है तब आपको क्या करना है, साइन का फार्मूला लगाना है, ऐसे करके, देखो वन से वन कट गया, ये ट्रिक है, कहीं आपको दिख जाए तो आपको यूज कर लेना है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है, बीच में माइनस दिख रहा है, तो फार्मूला हम किस में लगाएंगे, साइन में लगाएंगे, अगर प्लस दिख जाए तो कॉस में लगाएंगे, ये आपको याद कर लेना है। तो देखो यहाँ पर 5, ठीक है, पहले इसको देखो नीचे, तो फार्मूला कौन सा लगाएंगे, अगर माइनस है साइन में, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर
कोण का आधा करेंगे, टी है तो टी अपॉन टू। जैसे यहाँ पे देखो टू थीटा है तो कोण का आधा कितना हुआ, थीटा हुआ। तो यहाँ पे टी है तो कोण का आधा क्या होगा, टी अपॉन टू होगा। अब देखो अपान में जो हमने कोण देखा तो टी अपॉन टू है और ऊपर क्या है, टी है। तो इतना ध्यान रखना, अगर नीचे कोण आधा है तो ऊपर भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये बोलता है, ये साइन टी बोलता है नीचे वाले से कि अगर आपका कोण आधा है तो हम भी आधा करेंगे, तो ऊपर वाला का कोण भी आपको आधा करना पड़ेगा। तो देखो इसका फार्मूला होता है, यहाँ पे बता देते हैं, साइन टू थीटा होता है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही होता है। देखो टू थीटा है तो किस में कन्वर्ट हुआ, थीटा में, कोण का आधा होता है। तो यहाँ पर भी कर लो, टी है तो टी अपॉन टू इंटू कॉस टी अपॉन टू, इतनी जानकारी आपको होना चाहिए। ये सब टेंथ और इलेवेंथ के फार्मूले हैं। वैसे भी आपको पता है कि त्रिकोणमिति का जन्म कहाँ हुआ है, हिंदुस्तान में हुआ है, तो सबसे ज़्यादा आपको यही देखने को मिलती है गणित में, त्रिकोणमिति। अब आगे देखो आप लोग, तो यहाँ पर कितना आएगा, 6 × 12 हो जाएगा, और इंटू में साइन टी अपॉन टू इंटू कॉस टी अपॉन टू, अपॉन में देखो 1 से 1 कटेगा और गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 10 मिलेगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर टी अपॉन टू काट लो, यहाँ पे 2 से काट लो, ठीक है, एक पावर साइन की चली जाएगी, तो 6/5 कितना मिलेगा, कॉस टी अपॉन टू ऊपर मिलेगा और नीचे साइन टी अपॉन टू मिलेगा। अब आपको क्या लिखना है, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है, तो यहाँ पे कॉट टी अपॉन टू लिख देना है। ये आंसर सीट है, नोट कर लो, जल्दी नोट कर लो इसको, क्योंकि आगे का प्रश्न भी हल करवाना है। तो 6/5 कॉट टी अपॉन टू आंसर सीट आई है, इसको हम रफ कर देते हैं। अब आगे का प्रश्न देखिए, यहाँ पे नंबर चेंज कर लेते हैं, 12 है तो क्या डाल देते हैं, 13 डाल देते हैं, तो टिक भी लगा देते हैं, 12वां प्रश्न हो गया। अब 13वां देखो, यदि y बराबर साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स रूट ऑफ 1 - x2। देखो यहाँ पर भी शर्त दी है, x का मान 0 से ग्रेटर और 1 से लेस, इसका मतलब ये है कि जो y की आंसर शीट है वो परिभाषित है। कब परिभाषित है, कि x का मान 0 और 1 के बीच में कुछ भी रखो, लेकिन हमने आपको बताया है कि शर्त से क्या होता है, परिभाषित होता है, कुछ भी यहाँ पे लिखा हो। जैसे यहाँ पर लिखा था x का मान और y का मान दिया गया था, तो शर्त का अवकलन नहीं होता है, ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए। हम अवकलन करेंगे y इक्वल साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स रूट ऑफ 1 - x2, इसका अवकलन करेंगे। शर्त केवल ये बताती है कि ये जो दिया है वो परिभाषित है, और उसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि जब भी हम हल करते हैं शर्त का कोई यूज करते हैं, नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा भी है dy/dx ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, दिया है, क्योंकि यदि जब भी आपको प्रश्न में लिखा हुआ दिख जाए इसका मतलब यही होता है, दिया है। और ये प्रश्न हम 13 जो है 2 मेथड से आपको लगा के देंगे, मज़ा आ जाएगा, गर्दा उड़ जाएगा प्रश्न 13 का। तो यहाँ पर हम मेथड डाल देते हैं, मेथड फर्स्ट, सबसे पहले क्या लिखना है, दिया है, क्योंकि यदि का मतलब आपको पता ही है, y बराबर साइन इनवर्स x प्लस का साइन इनवर्स रूट ऑफ 1 - x2, अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, यहाँ पर y नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि y के बराबर लिखना है आपको, अवकलन करो, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नीचे d के पास में x है, तो x के सापेक्ष आपको अवकलन करना है, ये पहचान है। जैसे प्रश्न में अगर लिखा नहीं है तो आपको देख लेना है d के पास में क्या है, x है तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसका मतलब तो आपको पता ही है कि दोनों पक्षों में d/dx रखना है आपको, तो यहाँ पर भी रखना है और यहाँ पर भी d/dx रखना है, और इसको साइन इनवर्स x लिखो, जैसा है वैसा ही लिखो, रूट ऑफ 1 - x2। हर एक पद का अवकलन होता है, ये बात आपको पता है, y का अवकलन dy/dx। अब यहाँ पे देखो दो पद हैं, पहले हम क्या करेंगे, d/dx दोनों पदों को देंगे, उसके बाद अवकलन करेंगे। चलो इसको भी दे दिया d/dx रूट ऑफ 1 - x2। साइन इनवर्स x का अवकलन पता है आपको, 1/√1 -
एक्स स्क्वायर, यही होता है, दोबारा अवकलन नहीं होगा ना, क्योंकि डी के पास में एक्स है और यहाँ पर भी एक्स है, जब चर समान है तो दोबारा अवकलन नहीं होता है। अब यहाँ पे आ जाओ, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन हो गया ना, वैसे यहाँ पे करो, रूट के अंदर क्या लिखना है, वन माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर देखो ये आपको दिख रहा है वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये चेंज है, ये चर क्या है, चेंज है। देखते कैसे हैं, डी के पास में अगर एक्स है और यहाँ पर आपको चेंज दिख जाए तो समझो दोबारा अवकलन होगा। तो यही ट्रिक है कि डी के पास में एक्स है तो एक्स ही होना चाहिए, तो दोबारा अवकलन नहीं होगा। अगर आपको यहाँ पर एक्स दिख रहा है और यहाँ पर एक्स नहीं दिख रहा है, चेंज दिख रहा है चर, तो दोबारा अवकलन होगा, यही ट्रिक है। चलो दोबारा अवकलन करेंगे, किसका करेंगे, पूरा करेंगे, क्योंकि आपने पहले अवकलन किसका किया बताइए आप लोग, पहले साइन इनवर्स का किया ना, तो ये पूरा आपको अवकलन करना पड़ेगा रूट के अंदर जो भी है, ठीक है। पहले साइन इनवर्स का हो गया, फिर इसका करना है दोबारा। अब यहाँ पे देखो, वन अपन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ऐसे लिखो वन माइनस, यहाँ पर चाहो तो ओपन कर लो, पहले हम ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, ठीक है, और रूट लगा लो यहाँ पे, क्या लगा लो, रूट, ठीक है। स्क्वायर से रूट क्या होगा, हट जाएगा ना, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, रूट एक्स का अवकलन क्या होता है, यहाँ पर बता देते हैं, डायरेक्ट याद रख लेना, वन अपॉइंट टू रूट एक्स होता है, तो यहाँ पर भी वन अपॉइंट टू रूट एक्स, ठीक है। और इसका अब अगेन होगा, यहाँ पर भी चेंज आपको दिख रहा है, रूट का अवकलन हुआ है, रूट के अंदर का नहीं हुआ है, अब आपको दोबारा रूट के अंदर का अवकलन करना है, ठीक है। यहाँ से देखो, वन से वन कैंसिल हो जाएगा, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, इसके आगे देखिए, रफ कर देते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स के इक्वल आपको लिखना है। तो पहला पद देखिए, सेम टू सेम आपको नोट कर लेना है। अब यहाँ पे देखो, एक्स स्क्वायर बचेगा ना प्लस का रूट के अंदर, फिर यहाँ पे देखो वन अपॉन टू रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसका अवकलन करो, वन का क्या होगा, जीरो होगा, एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, टू एक्स होगा, इसमें लगा लिया हमने एक्स की घात एन का लगाया है, घात आगे एक घात कम कर देते हैं, तो एक घात लिखी नहीं जाती है गणित में, जब ज़रूरत पड़ती है तब लिखी जाती है, लेकिन यहाँ पर ज़रूरत नहीं है तो नहीं लिखेंगे। तो वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर क्या आएगा, रूट से बाहर निकल आएगा, और यहाँ पर देखा जाए तो ऊपर चाहो तो इसका इसमें इंटू कर दो, माइनस टू एक्स अपॉन टू रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, टू से टू कैंसिल और एक्स से एक्स कैंसिल, तो एक लाइन और लिखो, वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल, आंसर सीट क्या आई, जीरो आई है, डी वाई अपॉन डी एक्स। अब सेकेंड मेथड से हम आपको बताएंगे, इसको आप लोग नोट कर लो, ये हो गया, इसको हटा देते हैं, अब मेथड टू से लगवाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मेथड टू, ठीक है। सबसे पहले आपको लिख लेना है, दोबारा दिया है बाई बराबर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपको लिख लेना है। इसके बाद में आपको क्या करना है, पाठ दो के फार्मूले याद कर लेना है आपको, अगर नहीं याद हैं याद जरूर कर लेना, क्योंकि प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में इनवर्स वाले प्रश्न थे और उनको हल किया था पाठ दो में, लेकिन यहाँ पर यूज है ना, जब भी आपको अवकलन करना है अगर इनवर्स वाले आ जाएं तो फार्मूले का यूज करके थोड़ा सा सरल बना लिया जाता है। जैसे बात करते हैं, बाई बराबर इसको ऐसे लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स, और इसको क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है। यहाँ पर हम बता भी देते हैं, कॉस इनवर्स एक्स के इक्वल क्या होता है, साइन इनवर्स होता है रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इसके इक्वल क्या होता है, टेन इनवर्स, ये फार्मूला होता है, ये आपको तैयार करना है। और ये आपको सारे फार्मूले कहाँ पे मिलेंगे, पार्ट दो में, प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। पार्ट दो का पहला वीडियो देख लेना, बेसिक पूरे पार्ट का हमने पढ़ाया है, ठीक है। तो ये मिल जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स के इक्वल क्या मिलता है, साइन इनवर्स रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर।
और इक्वल टेन इनवर्स रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो कॉस इनवर्स एक्स के इक्वल क्या है, साइन इनवर्स भी है और टेन इनवर्स भी है। तो हमको मिला था साइन इनवर्स रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर मिला था, तो हमने इसके स्थान पर क्या लिख दिया, कॉस इनवर्स एक्स लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि आपको पता है पाई बाई टू होता है, ये भी पार्ट दो में हमने फार्मूला आप लोगों को बताया था, यही होता है। ठीक है, आप कहोगे कि सर ये आप पार्ट दो का यूज कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर अगर अवकलन करना है, थोड़ा सा सरल करने के बाद अवकलन करो तो आंसर शीट जल्दी आ जाती है, जल्दी प्रश्न लग जाता है, इसलिए पार्ट दो का यूज़ कर रहे हैं। अगर ये फार्मूले याद नहीं हैं तो पहला मेथड सुइटेबल है आपके लिए, लेकिन अगर फार्मूले याद हैं, वैसे याद तो करना ही पड़ेगा क्योंकि जब पेपर देने जाओगे तो भाई पार्ट दो छोड़ के थोड़ी जाओगे, जब सब कुछ तैयार करके जाओगे तो पार्ट दो भी तैयार करके जाओगे, तो अवकलन भी तैयार करके जाओगे, तो अगर उसमें सब कुछ आएगा तो पार्ट दो का भी आएगा, तो इसीलिए पार्ट दो जरूर आप लोग तैयार करके जाओगे। अब जब तैयार करके जाओगे तो मेथड टू आपके समझ में आएगा। अब देखो इसके इक्वल क्या होता है, पाई बाई टू हमने लिख दिया, अब अवकलन करो जीरो आ गई आंसर शीट। देखो यहाँ पर कर देते हैं एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसका मतलब आप लोगों को पता है कि दोनों तरफ क्या रखना है, d अपॉन डी एक्स रखना है। ठीक है, y का क्या होगा, dy वाई अपॉन डी एक्स होगा, क्योंकि ये y परतंत्र है। अचर पद का क्या होता है, जीरो। आंसर शीट आ गई, देखो। तो पार्ट दो के अगर फार्मूले याद हैं कोई दिक्कत नहीं है, और पार्ट दो का यूज तभी होगा जब आपको इनवर्स में प्रश्न मिल जाए। ठीक है, मज़ा आ गया होगा, वीडियो को लाइक कर दो, अगर लाइक नहीं किया है इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है, हटा देते हैं इसको। आप कहोगे कि सर इससे पूरे नंबर मिल जाएंगे, पूरे नंबर मिलेंगे क्योंकि जो आप लिखते हो इसके सामने इसका भी नंबर होता है, आपको याद है, बहुत बड़ी बात है, तो इसका भी नंबर मिल जाता है अगर सामने लिख रहे हो, अगर यूज कर रहे हो पाई बाई टू, सामने लिखना पड़ेगा आपको, अगर लिखा नहीं तो नंबर कट जाएगा, अगर सामने लिख दिया इसके इक्वल इतना होता है तो एक भी नंबर नहीं कटेगा, जो लिखते हो जो याद है उसका भी नंबर होता है, तो इसीलिए नंबर आपके काटे नहीं जाएंगे। अगर इस मेथड से आप सवाल लगा रहे हो तो एक भी नंबर नहीं कटेगा। आगे देखिए, इसे भी हटा दें, दो मेथड से बताया है। प्रश्न नंबर 14 की बात करते हैं, यहाँ पर बताया है यदि x का मान -1 से ग्रेटर और 1 से लेस के लिए एक समीकरण दिया गया है तो सिद्ध कीजिए कि dy अपॉन dx बराबर -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग जब भी पेपर देने जाना इसे तैयार करके जाना है, ये क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हम इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बता रहे हैं क्योंकि बहुत से बच्चों की कमेंट आई थी सर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बता दिया करिए, तो हम इसलिए बता रहे हैं जो कमज़ोर बच्चे होते हैं जो सिलेबस पूरा नहीं तैयार कर सकते हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप लोग जो कमज़ोर बच्चे होते हैं तैयार कर लेना, पास हो जाओगे, लेकिन टॉपर तभी बन सकते हो जब ए टू जेड आपको पढ़ना है, तभी टॉपर बन सकते हो। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट से हमने पहले ही बताया कि 80 नंबर से ज़्यादा नहीं ला सकते हो, इसीलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं बताते हैं, लेकिन बहुत से स्टूडेंट की कमेंट आई सर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बता दिया करो, इसलिए हम यहाँ पे बता रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा आया हुआ है प्रश्न, इसको तैयार करके जाना है। ठीक है, और ये जो 12 प्रश्न है ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी आप लोग तैयार करके जाना है। ठीक है, तो इसको हम लगवा देते हैं, अब आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम बताते रहेंगे, लेकिन हम फिर भी यही कहेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट से कभी भी 80 नंबर से ज़्यादा नहीं ला सकते हो। टॉपर वही बनेगा जो पूरा सिलेबस तैयार करेगा, तो हम दोनों काम बता देते हैं, आपकी मर्जी। अगर 100 में से 100 गणित इंटर में चाहते हो तो पूरा सिलेबस कंप्लीट करो, अगर चाहते हो कि 80 आ जाएँ, 75 आ जाएँ, 65 आ जाएँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बता दिए हैं, आप लोग तैयार करो मोस्ट इम्पॉर्टेंट केवल। देखो प्रश्न नंबर 14, सबसे पहले क्या लिखना है, दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण क्या है, x इंटू रूट ऑफ वन प्लस वाई प्लस का y रूट ऑफ वन प्लस x इक्वल
जीरो, ठीक है। इसका डायरेक्ट अगर अपकलन करोगे तो आंसर सीट नहीं आएगी, डायरेक्ट अपकलन नहीं करेंगे। अब क्लास टेंथ का यूज करेंगे, क्लास टेंथ का हम यूज करेंगे और पाठ जो है चार द्विघात समीकरण, पार्ट चार की बात कर रहे हैं एनसीईआरटी के। तो वहाँ पर कुछ ऐसे थे रूट वाले, ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, या चलो हम ले लेते हैं ए माइनस का एक्स ऐसे करके, और यहाँ पे ले लेते हैं ए प्लस का एक्स ऐसे करके, इक्वल सी ले लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न क्या करते थे आप लोग, इसको इस तरफ लेके जाते थे, दोनों पक्षों का वर्ग करते थे। तो कैलकुलेशन टेंथ की यहाँ पर आपको करना है, तभी आंसर शीट आएगी डी वाई पॉइंट एक्स इक्वल माइनस वन अपॉइंट वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। द्विघात समीकरण में क्या होता था, हम पक्षांतर करते थे रूट वाले पद को, फिर उसके बाद दोनों पक्षों का वर्ग करते थे, ऐसे यहाँ पर आपको करना है। तो इसको उस तरफ लेके जाओ एक पद को, तो क्या होगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो इसका मतलब आप लोग जानते हो, x इंटू रूट ऑफ वन प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल माइनस का y रूट ऑफ वन प्लस x, ठीक है। इसका भी होल स्क्वायर कर लो, यहाँ पर इसको घात देंगे तो x स्क्वायर, और इसको देंगे तो रूट हट जाएगा ना, स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है रूट, वाई स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी रूट हट जाएगा। देखो आगे, देखो अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, देखते रहो आगे। इंटू कर दिया हमने एक्स स्क्वायर का, यहाँ पर वाई स्क्वायर का इंटू कर दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को पास पास लिख लो ऐसे करके, ठीक है। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू वाई माइनस का एक्स वाई स्क्वायर इक्वल जीरो, यहाँ पर देखो ए प्लस बी गुणनखंड कर रहे हैं, ठीक है। इसमें लगा लिया ए प्लस बी, ए माइनस बी, इसमें देखो क्या कॉमन मिला, एक्स वाई मिल गया, तो एक्स माइनस वाई इक्वल जीरो। तो यहाँ पर इन दो पदों में क्या कॉमन आपको दिख रहा है, गुणनखंड कर रहे हैं भाई, तो x माइनस वाई कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, x प्लस वाई प्लस का एक्स वाई मिलेगा। अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, आगे देखिए, इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पर क्या आया, x माइनस वाई, ठीक है। अब आपको यहाँ पर और भी गुणनखंड करना है इन दो पदों में देखो, या फिर यहाँ पर देख लो, जैसे बात करते हैं यहाँ पर बाई है ना, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात करना है, तो बाई का मान निकालेंगे यहाँ से, तो निकल आएगा यहाँ से, देखो एक्स प्लस वाई कामन ले लो तो वन प्लस का एक्स इक्वल जीरो। अब आपको पता है ये जो है इसके इक्वल जीरो होगा या नहीं होगा, तो हम कहते हैं पहले हम क्या कर रहे हैं, एक्स प्लस वाई इंटू वन प्लस एक्स ये इक्वल जीरो लिख रहे हैं, और ये क्या होगा, एक्स नॉट इक्वल वाई, ठीक है। जैसे ये कैसे आया तो हम बता देते हैं, x नॉट इक्वल जीरो, अब y को उस तरफ लेके जाओ तो x नॉट इक्वल जीरो आया, ये कैसे लिख दिया हम आपको बता रहे हैं। अगर x इक्वल y होगा तो आपको LHS ले लेना है, LHS ले लेना है इसका, अगर जीरो आ जाए तो आपको यहाँ पे बराबर लिख देना है, अगर जीरो नहीं आया तो आपको नॉट इक्वल लिख देना है। जैसे x की वैल्यू y रख लो, तो y प्लस जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है y रख लो, आंसर शीट जीरो आएगी, बताओ, हमें तो नहीं लग रहा जीरो आएगी, नॉट इक्वल आएगी, तो इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा, नॉट इक्वल y। इसको हटा देते हैं, हमने ये नॉट इक्वल क्यों लिखा, हम आपको बता भी दिया है और दूसरा भी तरीका बता रहे हैं। जैसे यहाँ से अगर dy वाई पॉइंट dx निकालें तो इतना नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ से निकालेंगे तो मिल जाएगी आंसर सीट। आपको क्या करना है, x को उस तरफ लेके जाना है, लेके जाओ, या फिर डायरेक्ट अपकलन कर दो, आंसर सीट तो आ ही जाएगी, कर दें अपकलन। चलो y पहले निकाल लो उसके बाद अपकलन करेंगे, इसको उस तरफ लेके जाओ तो y बराबर क्या आएगा, माइनस x अपान वन प्लस x। अब अपकलन करो x के सापेक्ष अपकलन करने पर, यहाँ पे लिख देते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसका मतलब आप लोगों को पता ही है, दोनों पक्षों में d अपॉन dx आपको रखना है,
ये हिंदी आपको जो दिख रही है ये लाइन, इसका मतलब यही है कि दोनों पक्षों में आपको क्या रखना है, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स रखना है। अब देखो यहाँ पे y का क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स होगा। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे लगाएंगे अंश बटे हर, यहाँ पे लिख देते हैं कौन सा फार्मूला लगाएंगे, अंश बटे हर का लगाएंगे। याद होगा क्या होता है, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, अपॉन क्या होता है, हर का होल स्क्वायर, यही होता है। अब इसको हम रफ कर देते हैं, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, इसके आगे देखिए क्योंकि आंसर शीट अभी मैच नहीं हुई है, इसको हटा देते हैं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स के इक्वल आपको लिखना है यहाँ पे, देखो माइनस तो ऐसे ही रखो और डी अपॉन डी एक्स के आगे क्या है, वन प्लस एक्स ऐसे ही रखो, एक्स का अवकलन क्या होगा, वन होगा, माइनस का एक्स ऐसे ही रखो। अब ब्रेकेट का करना है, दो पद दिख रहे हैं, वन का क्या होगा, जीरो होगा और एक्स का क्या होगा, वन होगा, अपॉन क्या चल रहा है, वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिए, इसको हम रफ कर देते हैं क्योंकि इसी लाइन को देखकर हमने ऊपर वाली लाइन लिखी है। तो यहाँ पर क्या आएगा, वन प्लस एक्स आएगा, ठीक है, और माइनस का एक्स का वन में इंटू करेंगे तो एक्स आएगा, और अपॉन में क्या है, वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये क्या आया, डी वाई अपॉन डी एक्स आया है। आंसर शीट आ गई है, नोट कर लो। अब प्रश्न 15 जो है हल करवाएंगे, इसको हटा देते हैं। ये 15वां जो प्रश्न है हम लगवा जरूर रहे हैं लेकिन कभी भी पेपर में नहीं आया है ये, और ना ही आएगा। ठीक है, आप लोग देख लो कैसे लगेगा, लेकिन कभी भी पेपर में नहीं आया है और ना ही आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे पढ़ लेते हैं, यदि किसी सी ग्रेटर देन जीरो के लिए इतना बराबर इतना है तो सिद्ध कीजिए इसकी जो आंसर शीट है ए और बी से स्वतंत्र एक स्थिर राशि है। कहने मतलब है जब भी आंसर शीट में लिखा हो स्वतंत्र, जैसे बात करते हैं साढ़े की प्रश्न वाली 4.2 की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर सिद्ध वाले प्रश्न थे तो एक आध प्रश्न में आया था ना कि थीटा से स्वतंत्र है, विविध प्रश्नावली की बात कर रहे हैं पार्ट चार के, तो एक सवाल था थीटा से स्वतंत्र है, तो हमने बताया था आपको वहाँ पे कि आंसर शीट में थीटा नहीं आएगा, ऐसे ही आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा स्वतंत्र। तो इसका मतलब क्या है, इसकी जो आंसर शीट निकालेंगे तो ए और बी के पदों में नहीं आएगी। ठीक है, इसका मतलब यही है। चलो पहले हम क्या करेंगे, इस समीकरण से डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे और डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे। सबसे पहले आपको लिखना है दिया गया समीकरण, लिख लो सबसे पहले एक्स माइनस क्या है, ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वी का होल स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर, अवकलन करना है आपको। इसे समीकरण एक डालो, इसकी ज़रूरत पड़ेगी आगे। तो क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, आप लोग इतना नोट करो, तब तक हम क्या करते हैं मार्कर दूसरा ले लेते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, दोनों तरफ आपको क्या रखना है, डी अपॉन डी एक्स रखना है, इधर भी रखना है और इधर भी रखना है। चलो आगे देखिए, यहाँ पे क्या करते हैं, अवकलन करेंगे, इसका अलग दो पद है ना, दोनों का अलग अलग आपको करना है क्योंकि प्रत्येक पद का अवकलन होता है, ये बात आपको पता है। चलो इसको इतना नोट करो, आगे देखो, d अपॉन डी एक्स इंटू वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल क्या होगा, जीरो। इतना नोट करो, इंक डाल लेते हैं। ठीक है, इतना आप लोग तब तक नोट करिए। इसमें क्या करना है आपको, हम आपको बताएंगे क्यों, थोड़ा सा टफ है, कोई दिक्कत थोड़ी है, आराम से लगवा देंगे। तब तक आप लोग क्या करो, वीडियो को लाइक आइक कर दो, सभी स्टूडेंट करो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, चलो इंक तो हमने डाल ली है, अब आगे
हल करवाएंगे। यहाँ पर क्या करना है, आ जाओ यहाँ पे वापस। अचर पद का आकलन क्या होता है, जीरो होता है, ये बात आपको पता है। इसमें क्या करेंगे, घात आगे कर लेंगे, घात आगे हो गए, एक घात कम हो गए, लेकिन घात के अंदर देखो चर जो है चेंज है, तो इसीलिए दोबारा आकलन होगा। और आपको पता है कैसे पहचानते हैं, डी के पास में अगर एक्स है और यहाँ पर अगर एक्स नहीं है तो दोबारा आकलन होगा। अगर यहाँ पर एक्स होता तो हम दोबारा आकलन नहीं करते। यही ट्रिक है और यही आपको हम बताते रहते हैं कि चर चेंज है तो अवकलन दोबारा होगा। तो पहला पद सीख लिया है, दूसरे पद का ऐसे ही आपको अवकलन करना है। एक पद सीख जाओ, दूसरे पद का ऑटोमेटिक हो जाएगा। चलो यहाँ से दो का भाग लगा दो, केवल x माइनस ए लिख दो। x का क्या होगा, वन होगा, a अचर पद है ना तो जीरो होगा। आगे देखो प्लस, दो का भाग लगा ही दिया है। यहाँ पे देखो y का क्या होगा, dy वाई अपॉन डी एक्स होगा, और बी का क्या होगा, जीरो, अचर पद है ना। तो यहाँ से कितना मिलेगा, एक्स माइनस ए मिलेगा, प्लस यहाँ से कितना मिलेगा, वाई माइनस बी मिलेगा इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल जीरो। अब यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स का मान निकाल लें तो कितना आएगा, माइनस एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी मिलेगा। ठीक है, इसका जो है समीकरण डालो, क्योंकि इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे dy अपॉन dx का होल स्क्वायर है ना, मान रखेंगे। अब d2y अपॉन dx स्क्वायर और निकालो, तो इसको हम रफ कर देते हैं। आपको क्या करना है, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब इसके आगे देखिए आप लोगों को लिखना पड़ेगा, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। इस हिंदी का मतलब आपको पता है, दोनों तरफ आपको क्या रखना है, समीकरण दो में d अपॉन dx रखना है। तो इस तरफ क्या है, dy अपॉन dx, और इस तरफ क्या है, माइनस आगे कर लो d अपॉन dx, x माइनस a अपॉन y माइनस v। ठीक है, अब इसका अवकलन तो आप लोग जानते हो, d2y अपॉन dx स्क्वायर। यहाँ पे देखो अंश बटे हर का फार्मूला आप लोगों को लगाना है। आप लोगों को याद होगा अंश बटे हर का फार्मूला, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन अपॉन हर का होल स्क्वायर। तो आप लोग देखो, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन अपॉन हर का होल स्क्वायर। अभी हमने अवकलन नहीं किया है, फार्मूले के रिलेटिव लिखा है, अभी अवकलन नहीं किया है, करने वाले हैं। तो आगे देखो, माइनस ऐसे ही रहेगा और ब्रैकेट में आपको लिखना है बाई माइनस बी। अब आपको पता है डी अपॉन डी एक्स के बाद में जो लिखा होता है उसी का आकलन किया जाता है। एक्स का क्या होगा, वन होगा, और ए का क्या होगा, जीरो। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, डी अपॉन डी एक्स के आगे क्या है, एक्स माइनस ए, आपको सेम टू सेम लिख लेना है। अब इसका आकलन करेंगे, बाई क्या है, परतंत्र है, तो बाई का आकलन डी वाई अपॉन डी एक्स होता है, डी अपॉन डी एक्स के साथ रहती है बाई, तो इसीलिए बाई क्या है, परतंत्र है। और यहाँ पर देखो एक्स का अवकलन हो गया, डी अपॉन डी एक्स चला गया, तो एक्स एक्स वाले पद को क्या बोलते हैं, स्वतंत्र पद बोलते हैं, और बाई वाले पद को परतंत्र पद बोलते हैं, क्योंकि डी अपॉन डी एक्स छोड़ के नहीं जाएगा बाई को। अब बी का क्या होगा, जीरो, अपॉन में देखो वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। इसके आगे देखो माइनस, यहाँ पर क्या आएगा, बाई माइनस वी, और वहाँ से क्या आएगा, माइनस एक्स माइनस ए। अब आपको क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स का मान रखना है, समीकरण दो से रख लो, क्या था, माइनस एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी, यही था, अपॉन में देखो क्या था, वाई माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, इसके आगे देखिए, इसको हम रफ कर देते हैं। तो ये किसके इक्वल चल रहा था, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए अगर एलसीएम ले लें यहाँ पर क्या मिलेगा, वाई माइनस वी मिलेगा एलसीएम। अब इसका इसमें इंटू करेंगे तो वाई माइनस वी का होल स्क्वायर आएगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, अपॉन में क्या मिलेगा, वाई माइनस वी का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसको अपॉन में ले लो, तो इसके आगे देखो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के इक्वल आएगा, ये बाई माइनस बी नीचे चला आएगा, तो ऊपर क्या रहेगा, पहले एक्स वाला पद लिख लो, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बाई माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन बाई माइनस बी की होल घातें कितनी हो जाएंगी, तीन हो जाएंगी। ठीक है,
ये माइनस ऊपर ही रहेगा, ये डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान आया है। अब आपको आंसर शीट निकालना है, किसकी निकालना है, इसकी निकालना है, वन प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, फिर पूरे का होल पावर कितनी है, थ्री अपॉन टू अपॉन डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसी को लेके आपको चलना है। तो वन प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर और होल पावर कितनी है, थ्री अपॉन टू है, अपॉन देखो क्या है, डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसके इक्वल ही आंसर शीट आपको निकालना है, ए और बी से स्वतंत्र निकालना है। चलो वन प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का मान क्या था, माइनस एक्स माइनस ए अपॉन वाई माइनस बी, यही था होल पावर कितनी, यहाँ पे कर लो टू कर लो। अब पूरे की होल पावर क्या है, थ्री अपॉन टू है, अपॉन में देखो कितना रखना है, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान, तो माइनस ऐसे ही रखेंगे, तो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर वाई माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन क्या है, वाई माइनस बी का होल क्यू है, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट लगा लो, मजला लगा लो, ठीक है। अब इसके आगे देखो, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, इसको हम रफ कर देते हैं, आप लोग नोट करते रहा करो। इसके आगे देखिए, तो पहले तो इसी को लिखेंगे, वन प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, फिर पूरे का होल पावर कितनी है, थ्री अपॉन टू अपॉन डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इक्वल देखो आप लोग क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा सरल करना है, पहले क्या करना है, पावर दे देना है, तो वन प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, होल पावर कितनी है, थ्री अपॉन टू, अपॉन में क्या है, माइनस आगे ले लो, यहाँ पे ले लो माइनस, ठीक है, ऊपर ले लो, तो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी की होल पावर कितनी है, थ्री है, ठीक है। आगे देखिए, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, हमें आंसर शीट बताना है ए और बी से स्वतंत्र, इसका मतलब आपको पता ही कि ए और बी आंसर शीट में नहीं आना चाहिए। आगे देखिए, माइनस यहाँ पे एलसीएम ले लो, वाई माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे कितना होगा, वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। और पावर अगर अलग अलग दे दें तो इसकी थ्री अपॉन टू और इसकी भी क्या हो जाएगी, थ्री अपॉन टू, अपॉन देखो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन क्या रहेगा, वाई माइनस बी की होल पावर थ्री। अब समीकरण एक का यूज करेंगे, समीकरण एक का यूज करेंगे, तो माइनस यहाँ पे देखो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर क्या था, समीकरण एक डाला था, इसके इक्वल डाला था, तो सी स्क्वायर लिख लो ऊपर, सी स्क्वायर, और इसको दो से दो काट लो, तो वाई माइनस बी की होल पावर कितनी आएगी, थ्री आएगी, ठीक है। अपॉन में देखो, ये तो ऊपर ही रहेगा माइनस, यहाँ पर भी सी स्क्वायर कर लो, अपॉन में वाई माइनस बी का होल क्यू, तो इससे ये कट जाएगी एक पावर, मतलब यहाँ पे थ्री रहेगी ना, क्योंकि सी स्क्वायर की होल पावर क्या है, थ्री अपॉन टू कर लो, अभी कैंसिल नहीं करेंगे, क्योंकि इसके स्थान पे हमने क्या किया था, सी स्क्वायर रख लिया, होल पावर कितनी है, थ्री अपॉन टू। चलो समीकरण लिख दो एक से, समीकरण एक से, ठीक है। अब इसके आगे देखिए, इसको हम रफ कर देते हैं, तो किसके इक्वल चल रहा है, वन प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर और होल पावर कितनी है, थ्री अपॉन टू अपॉन डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के इक्वल में देखो आप लोग, तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पे देखो पावर टू से टू कैंसिल हो जाएगी, सी क्यू अपॉन कितना मिलेगा, सी स्क्वायर, तो यहाँ से पावर कैंसिल हो जाएगी ना दो, तो माइनस का सी मिलेगा, इसकी आंसर शीट कितनी मिली है, यहाँ पे लिख देते हैं माइनस का सी, तो यहाँ पे लिख दो, जो ए व वी से स्वतंत्र है, ठीक है, ये आंसर शीट आई है माइनस सी, नोट कर लो। अब रफ कर रहे हैं, अगला प्रश्न हल करवाएंगे सोलहवां, इसे हटा देते हैं, सोलह नंबर देखो आप लोग, यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं, पंद्रह है ना, सोलह कर देते हैं। चलो आगे देखिए, टिक लगा देते हैं, यहाँ पर बताया, यदि कॉस वाई इक्वल एक्स इंटू कॉस ए प्लस वाई तथा कॉस ए नॉट इक्वल प्लस माइनस वन, हमने बताई थी शर्त का अवकलन नहीं होता है, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर भी बता दी कॉस ए नॉट इक्वल प्लस माइनस वन, अवकलन किसका होगा, इसका होगा ना, यदि का मतलब क्या होता है, दिया है, ये दिया है और ये भी दिया है, लेकिन ये शर्त है, इसका अवकलन होगा नहीं, आगे लिखा है, तो सिद्ध कीजिए
डी वाई अपॉन डी एक्स के इक्वल इतना, ये दो मेथड से हम आपको बता देंगे, ठीक है। जो मेथड आपको इजी लग जाए उसी से आप लोग क्या करना, रिवीजन कर लेना। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मेथड फर्स्ट की बात करेंगे। पहले सबसे पहले आपको लिख लेना है दिया गया समीकरण, दिया गया समीकरण लिख लो, दो मेथड से बताएंगे, तो ध्यान देना है आपको, ठीक है। कॉस वाई इक्वल एक्स कॉस ए प्लस का वाई, अवकलन कर दो एक्स के सापेक्ष, इसे समीकरण एक डालो, इसकी जरूरत पड़ेगी, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसका मतलब आप लोगों को पता ही है कि डी अपॉन डी एक्स आपको दोनों पक्षों में रखना है, इधर भी रखो उधर भी रखो, ठीक है। अब देखो इसके आगे देखिए, तो कॉस वाई का क्या होता है, माइनस का साइन वाई, ठीक है। इसका दोबारा होगा क्योंकि ये चर चेंज है, कैसे पता करेंगे चेंज है, यहाँ पे एक्स है यहाँ पे क्या है वाई है, अगर यहाँ पे एक्स होता तो दोबारा अवकलन नहीं होता, लेकिन चर क्या है वाई, ये चेंज है तो वाई का दोबारा करेंगे अवकलन, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, फर्स्ट और सेकंड लगा लो, फर्स्ट को ऐसे रखेंगे, सेकंड का अवकलन करेंगे, और फर्स्ट और सेकंड क्यों लगा, क्योंकि दो फलन है, पहला बहुपद फलन है और दूसरा पद क्या है त्रिकोणमिति फलन है, इसीलिए दोबारा अवकलन हुआ। दो बार आपको इनटू में क्या करना है, फार्मूला लगा लेना है। तो फर्स्ट को ऐसे रखेंगे सेकंड का अवकलन, प्लस को सेकंड को ऐसे रखेंगे फर्स्ट का अवकलन, तो फर्स्ट क्या है एक्स है, ठीक है। आगे देखिए, माइनस का साइन वाई, वाई का क्या होगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल एक्स, कॉस का क्या होगा माइनस का साइन होगा ना, और ये आपको चर दिख रहा है ना, चेंज है, जब चेंज है तो दोबारा अवकलन होगा। अब तो इतना एक्सपीरियंस आपको आ गया होगा क्योंकि पर्सनली 5.2 से लेके पर्सनली 5.7 तक आपको अच्छे से अवकलन पढ़ाया है, तो इतना एक्सपीरियंस हो गया होगा कि दोबारा किसका अवकलन होता है। चलो आगे देखिए, दूसरा पद देखिए, कॉस ए प्लस का वाई इंटू वन, एक्स का वन होता है, इसको तो ऐसे रखेंगे, माइनस का साइन वाई, और वाई का क्या होगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल, यहाँ पे देखो माइनस का एक्स साइन ए प्लस का वाई, अब दो पद हैं दोनों का करो, ए का जीरो और वाई का डी वाई अपॉन डी एक्स, और प्लस का क्या है कॉस, आपको दिख नहीं रहा होगा, इसको हम दोबारा लिख देते हैं, प्लस का कॉस ए प्लस का वाई, ठीक है। आगे देखिए, अभी इसे आगे लगवाएंगे, ख़त्म नहीं हुआ है, मेथड फर्स्ट है ना, फिर आपको सेकेंड मेथड से भी बता देंगे। तो लिख लो एक बार, साइन बाई माइनस का है इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पर भी है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स के पद क्या करो एक तरफ ले लो, तो ये है इसको इस तरफ ले आओ, तो क्या हो जाएगा प्लस का एक्स साइन ए प्लस का वाई, और डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल क्या रहेगा कॉस ए प्लस का वाई, इतना रहेगा, ठीक है। अब देखिए आगे, यहाँ पर कॉमन ले लो, और ये वाला पद पहले लिख लो प्लस का, और डी वाई अपॉन डी एक्स क्या ले लो कॉमन ले लो, ठीक है, ले लिया कॉमन डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल देखो कॉस ए प्लस का वाई, ठीक है। अब आगे देखिए आप लोग, तो डी वाई अपॉन डी एक्स के इक्वल क्या आएगा कॉस ए प्लस का वाई अपॉन, यहाँ पे देखिए एक्स साइन ए प्लस का वाई माइनस का साइन वाई, ठीक है। आगे देखिए, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, यहाँ पर क्या होगा आपको बता दें, हम आंसर शीट मैच करना है, तो कॉस स्क्वायर चाहिए, और यहाँ पर देखो एक ही पद चाहिए साइन एक का, यहाँ पे तो एक्स तो है दिख नहीं रहा है, नीचे देखो एक्स नहीं दिख रहा है, अब आपको क्या करना है, समीकरण एक से एक्स का मान रखना है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इस तरफ से लिख रहे हैं क्योंकि थोड़ा हमें स्पेस की ज़रूरत है, यहाँ से एक्स का मान निकालेंगे जो समीकरण एक डाला है, तो कॉस वाई कॉस ए प्लस वाई को ऐसे लिखेंगे, एक्स का मान यहाँ से निकालो, तो क्या है कॉस वाई अपॉन कॉस ए प्लस का वाई, ठीक है, और इनटू में क्या है साइन ए प्लस का वाई, और माइनस में क्या है साइन वाई, ठीक है। एलसीएम ले लो आप लोग, एलसीएम नीचे मिलेगा ऊपर तो ऐसे रहेगा, तो इसे लिखेंगे कॉस ए प्लस का वाई अपॉन, एलसीएम कितना मिलेगा देख लो आप लोग, कॉस ए प्लस का वाई, ठीक है, इसका इसमें इंटू करेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा साइन ए प्लस का वाई, साइन पहले लिखो कॉस बाद में लिखो, माइनस का कॉस ए प्लस का वाई, फार्मूला बना रहे हैं, ध्यान देना है आपको, फार्मूला कौन सा बनेगा,
देखो यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस बी माइनस का कॉस ए इंटू साइन बी, मिल गया फार्मूला। और ये ऊपर चला जाएगा, होल पावर कितनी कर देगा, यहाँ पे देखिए दो दो मिल जाएगी ऊपर। तो आगे देखिए, इसको हम रफ कर देते हैं। तो आप लोगों ने किसका मान रखा है बताइए, आपने समीकरण एक से मान रखा है, तो आगे आपको लिख देना लिखना पड़ेगा। यहाँ पे समीकरण एक से आपने x का मान रखा है, आगे लिख लेना, ठीक है। ये किसके इक्वल चल रहा था, डीवाई अपॉन डी एक्स के इक्वल चल रहा था। तो देखिए डीवाई अपॉन डी एक्स इक्वल, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे, क्या मिल जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस का वाई अपॉन में फार्मूला लग गया साइन ए माइनस का बी। तो ए मिलेगा ए प्लस वाई और बी मिलेगा वाई मिलेगा, देखो ए बी फिर ए बी, ठीक है। आगे देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस का वाई, वाई से वाई कैंसिल, नीचे कितना आया साइन ए आ गया। तो पहला मेथड आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर नहीं आया तो इसका दूसरा मेथड देखिए। पहले मेथड में हमने क्या किया था, एक्स के सापेक्ष अवकलन किया था, अब दूसरे मेथड में हम वाई के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो इसको हम रफ कर देते हैं। सेकंड मेथड देखिए आप लोग इसी प्रश्न का, यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं मेथड टू। फिर आपको लिखना है दिया गया समीकरण, फिर लिख लो वही लिख लो, कॉस वाई इक्वल एक्स कॉस ए प्लस का वाई। इस बार क्या करेंगे, हम एक्स का मान निकाल लेंगे, तो एक्स के इक्वल क्या आएगा, कॉस वाई अपॉन कॉस ए प्लस का वाई। अब इस बार क्या करेंगे, हम सेकंड मेथड में वाई के सापेक्ष अवकलन करेंगे, याद रखना वाई के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसका मतलब क्या है, दोनों पक्षों में डी अपॉन डी वाई आप लोगों को रखना है। इस बार वाई के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, कॉस वाई अपॉन कॉस ए प्लस का वाई, इस तरफ लग जाएगा अंश बटे हर का फार्मूला, याद होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे देखो इसका एक्स का क्या होगा, डी एक्स अपॉन डी वाई। इस बार क्या रहेगा, एक्स रहेगा स्वतंत्र, नहीं एक्स रहेगा परतंत्र और वाई रहेगा स्वतंत्र, ठीक है। तो परतंत्र एक्स रहेगा, तो डी एक्स अपॉन डी टी, यहाँ पे देखो हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, और अपान में क्या लिखना है आपको, हर का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे देखिए, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, तो क्या करेंगे इसके आगे, देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल आंसर शीट मैच करना है, तो डी अपॉन डी वाई, डी वाई लिखो भाई, वाई के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, ठीक है। डी अपॉन डी वाई के आगे आपको लिखना है कॉस ए प्लस का वाई, अब कॉस वाई का क्या होगा, माइनस का साइन वाई, ठीक है। दोबारा अवकलन नहीं होगा क्योंकि डी के पास में जो चर है ना वाई, सेम टू सेम आपको दिख रहा है वाई वाई, तो दोबारा अवकलन नहीं होगा। यहाँ पे आ जाओ, माइनस का कॉस वाई, यहाँ पे कॉस का क्या होगा, माइनस का साइन होगा ना, तो माइनस माइनस प्लस साइन ए प्लस का वाई। अब यहाँ पे दोबारा करना है आपको ए प्लस वाई का, तो डी अपॉन डी वाई ए प्लस का वाई, और यहाँ पर हम किसके सापेक्ष अवकलन कर रहे थे, वाई के सापेक्ष कर रहे थे, डी एक्स ऊपर रहेगा डी वाई नीचे रहेगा, ठीक है। थोड़ा देख लेना, अपॉन में देखो क्या है, स्क्वायर किस पे आएगा, कॉस पे आएगा, तो माइनस का कॉस ए प्लस वाई ऐसे रखना है इंटू साइन वाई, यहाँ पे देखो प्लस का कॉस वाई इंटू साइन ए प्लस का वाई, यहाँ पे ए का जीरो और वाई का वन, क्योंकि वाई के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, इसीलिए वाई का क्या होगा, वन होगा। अपान में देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस का वाई, ठीक है। अब इसको हम रफ कर देते हैं, आगे देखिए इसके, ये आंसर शीट चल रही है डी एक्स अपान डी वाई के चल रही है, ठीक है। इक्वल में देखो यहाँ पे फार्मूला बना लो, बाद वाला पहले पद लिखो, ठीक है, अब बाद वाला पहले वाला बाद में लिखो, साइन ए कॉस भी कॉस ए साइन भी, ठीक है। अपान में देखो क्या है, कॉस स्क्वायर ए प्लस का वाई, यही है, लगा लो फार्मूला बन गया।
साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो क्या लिखेंगे, साइन ए माइनस बी, ए का मतलब है ए प्लस वाई और बी का मतलब है वाई, ठीक है, अपान में देखो क्या है कॉस स्क्वायर ए प्लस का वाई, ठीक है। तो हमने फार्मूला बनाना है, ठीक है, बन गया, बाई से बाई कैंसिल करना है। आगे देखिए, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो किसके इक्वल चल रहा है, डी एक्स अपॉन डी वाई के चल रहा है, तो ऊपर क्या मिलेगा, साइन ए अपॉन अपॉन क्या है कॉस स्क्वायर ए प्लस का वाई। आंसर शीट अभी मैच नहीं होगी, क्योंकि जो ऊपर है वो नीचे आया है, जो नीचे है वो ऊपर आया है। व्युत्क्रम ले लो, यहाँ पे क्या करो, व्युत्क्रम से दोनों पक्षों का क्या ले लो, व्युत्क्रम, तो डी वाई ऊपर पहुँचेगा डी एक्स नीचे आएगा, ऐसे ही यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई ऊपर पहुँचेगा साइन ए नीचे आएगा। ये कंप्लीट हो गया, आप लोग नोट कर लो, इसको हम रफ कर देते हैं, नोट कर लो, ये जो है 16 भी क्वेश्चन हो गया, दो मेथड से बताया है, नोट कर लो इसको, जल्दी नोट करो आप लोग।